नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय और स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है तोमर डी। दोस्तों आज हम आए हैं जहाज महल में, ये मेहरौली के बीच में है। और क्या है बाकी डिटेल्स तो हमें भी थोड़ा थोड़ा करके पता चल रही है, इतना कुछ ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन क्या है आपको पूरा जहाज महल दिखाते हैं। क्या है, अच्छा है, हो सकता है आपको पसंद आ जाए। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलो तो फिर मैं स्टार्ट करती हूँ, इसकी थोड़ी सी डिटेल बता देती हूँ आपको। ये लोधी वंश और लोधी राजवंश दोनों मिलकर अपने अच्छे टाइम को स्पेंड करने के लिए ये जहाज महल बनाया था। इसमें अपनी फैमिली को लेकर वो जब काफ़ी अपने महल से बोर हो जाते थे तो वो इस महल के अंदर आते थे। अगर इस महल को बाहर से पूर्वोत्तर कोने से देखा जाए तो ये ऐसा लगता था कि एक बोट पानी के अंदर चल रहा हो। यहाँ पर राजा अपना अच्छा टाइम यहाँ पे स्पेंड करने के लिए आते थे और फिर अपना चले जाते थे। टॉप में ये गुंबद बनी हुई है और चलते हैं आगे की साइड। यहाँ पे तो ये सारे यहाँ पे तो ये सारे झरोके टाइप ही बने हुए हैं, सारे एक ही एंगल में। यहाँ पे बंद है, इधर ग्रिल्स लगी हुई है, बाकी यहाँ सारे इक्वल दरवाजे बनाए हुए हैं। कुछ में ग्रिल्स लगी हुई है, बाकी में वॉल्स हैं, बस अंदर थोड़ा जा सकते हैं। ये शायद रूम्स टाइप बनाए हुए हैं। उस टाइम पे तो काफ़ी राजा और रानियाँ होते थे, उनके बच्चे भी काफ़ी सारे होते थे, तो इसलिए। चलो फिर मैं आगे और दिखाती हूँ आपको, इधर की डायरेक्शन में देखते हैं। इधर बंद है, चलो अब दूसरी साइड देखती हूँ इधर कहाँ से अब जाने का रास्ता है। साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ जो मैंने नोटिस की है, वो ये है कि जहाँ भी आप राजाओं के महल वगैरह देखोगे उसमें क्या होता है कि उसके चारों तरफ स्पेस छोड़ा जाता था, वो भी काफ़ी गहरा, जिसमें पानी और मगरमच्छ छोड़े जाते थे महल की सेफ्टी के लिए। और ये गुप्त रास्ता है, यहाँ पे भी स्टेयर्स टाइप है, कभी पुराने ज़माने में ये कहीं खुलता होगा दरवाज़ा। यहाँ पे समसी तालाब है तो उसके लिए यहाँ पे बोट भी रखी हुई है जिसकी हालत अभी टूट फूट कर कुछ अलग ही हो रही है। आगे इधर कहाँ से जाएगा समसी तालाब के लिए? बाहर से दोबारा से रास्ता था उधर बंद किया हुआ। अच्छा चलो फिर अभी यहाँ से इधर से एग्जिट करके दूसरी साइड से हमें जाना पड़ेगा शमशेर तालाब के लिए। चलो अब उधर चलते हैं। चलो अब जहाज महल से निकलकर मैं आपको इसका बाहर से दिखा देती हूँ। ये स्टेयर से हम गए थे अंदर, यहाँ पे ये थोड़े गार्ड भी बैठे हुए हैं यहीं। और अब इधर की साइड में जो मैं आपको बता रही थी ना गहराई होती है, यही है वो साइड में गहराई, यहीं पे पानी छोड़ा जाता था और मगरमच्छ, जिससे कि इनकी बाउंड्री पर कोई भी चोर डाकू वगैरह कोई चढ़ ना सके। और ये जो इधर साइड में स्टेयर्स दिख रही है ये ऊपर जाने का था, जो हमें अंदर से दिखाई नहीं दी, नहीं तो परमिशन लेके देखते ऊपर भी गुंबद की वीडियो बना ही लेते। चलो अब चलते हैं शमशी तालाब की साइड, आगे चलते हैं। और ये पानी देखकर आपको समझ ही आ गया होगा कि ये शमशी तालाब है जिसमें ये गुंबद सी बनी हुई है। शायद यहाँ पे जाना अभी अलाउ नहीं है, इसका रास्ता भी अभी यहीं कहाँ से दिखाई भी नहीं दे रहा है। और यहाँ पे अभी बारिश भी हुई तो काफ़ी पानी भरा हुआ है, बस ऐसा लगता है। और बाकी इधर ग्राउंड टाइप ऐसे बना हुआ है, बाकी इधर से घुमा कर आपको दिखाऊं तो सब कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे काफ़ी सारे पिजन भी अभी कुछ दाना वाना चुग रहे हैं। और मैं इनको तंग करने के लिए अभी इनके पास जाती हूँ फर से। और यहाँ से साइड से दिखाई दे रहा है ये जहाज महल, इसकी स्टेयर्स हम ढूंढ रहे थे लेकिन यहाँ इधर ग्राउंड में आने से पता चला ये इधर फ्रंट से जो ये रास्ता जा रहा है ना थोड़ा ऊपर से, ये वाली स्टेयर्स ऊपर जा रही है।
बस यही थी थोड़ी सी हिस्ट्री जहाज महल की, होगी तो और भी जो हमें बस नॉलेज हमें तो इतनी है। और चलो फिर चलते हैं अब नेक्स्ट टारगेट की साइड। अब मैं एग्ज़िट कर जाती हूँ मेन रोड पर और दिखाती हूँ आपको फ्रंट लुक। ये है जहाज महल यहाँ से लेकर यहाँ तक, और मैं अभी खड़ी हूँ यहाँ मेन मेहरौली की रोड पर। ये मेन मार्केट के अंदर बना हुआ है जहाज महल। इधर और इधर आपको ट्रैफिक चलता हुआ मिल जाएगा। यहाँ पे फ्रूट वेजिटेबल सारे स्टॉल लगे होते हैं और यहीं पर ये जहाज महल स्थित है। और अब निकलते हैं अपनी बाइक पर बैठकर। ये हैं हमारी मेहरौली की गलियां। आप इस राइड को एंजॉय कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में अहिंसा स्थल आपको दिखाने वाली हूँ, तो बनी रहिए मेरे चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।